हम क्विकली क्विकली टॉपिक्स कवर करेंगे बेटा रीड करेंगे और पता करेंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या दिया हुआ है ठीक है सो द फर्स्ट important नोट given एज़ डू यू नो सेवरल वर्जन ऑफ़ MS Word वर्ड आर अवेलेबल सच एज़ Word एस वर्ड टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड सेवन टू थाउजेंड टेन एंड टू ऐसे बहुत सारे वर्जनस आपको अवेलेबल है एम वर्ड में सो so, ये कुछ वर्जनस uh, आपको दिए हुए वर्जन्स मतलब किसी भी चीज़ का नया नया टाइप है ना तो हर बार जब एक नया वर्जन आता है तो वो कुछ इम्प्रूव करके आता है ठीक है ऐसा नहीं कि अगर Uh, वो वर्जन पहले वाले वर्जन जैसा ही हो ऐसा नहीं होता है पहले वाले वर्जन से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा uh, कुछ बेटर क्वालिटी इसमें होती है ठीक है तो हर बार एक जो नया वर्जन आता है वो बेटर होता जाता है ठीक है सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ ओपनिंग एम एस वर्थ टू थाउजेंड सेवन तो ओपनिंग से आपको पता है इट्स वेरी ईजी जैसे हमने पेंट प्रोग्राम पढ़ा था है ना क्या करते हैं हम सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे उसके बाद एक वाइट बॉक्स ओपन होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि ऑल प्रोग्राम्स लिखा है हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं देन अगेन <coughs> एक वाइट बॉक्स ओपन होता है उसमें आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ठीक है फिर वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप जब क्लिक करते हो तो आपको अगेन एक नया वाइट बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर दिए हुए जितने भी उसके टाइप्स हैं वो ओपन होते हैं तो उसमें से हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 ओपन करना है आई बात सबको समझ में तो इसी तरह से करना है जैसे हम पेंट ओपन करते थे ओके तो ये हो गया आपका ओपन करने का स्टेप है ना फोर स्टेप्स यहाँ इन लोग ने बताए हैं सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स then click on Microsoft Office then click on Microsoft Office Word 2007 अब इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है कि आप जब भी स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो आपके रिसेंटली यूज्ड किए हुए जो भी एप्स होते हैं सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखने लगते हैं तो आप उससे भी क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हो आगे बात सबको समझ में सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ओपनिंग एम वर्ड नाउ आफ्टर फॉलोइंग ऑल स्टेप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्क टू थाउजेंड सेवन विंडो अपेयर्स एज शोन बिलो आप जैसे ही वो स्टेप्स फॉलो करते हो ओपन करने के तो आपके सामने एक वाइट कलर का स्क्रीन ओपन होता है ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो ठीक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का विंडो ठीक है जैसे पेंट विंडो ओपन होता था वैसे ही ये वर्ड का विंडो है ऊपर इस तरह से आपके टूल्स होम इंसर्ट बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और ये जो वाइट ब्लैंक स्पेस है जो पेंट में हम उसको क्या बोलते थे ड्रॉइंग एरिया यहाँ वर्ड में हम उसको बोलते हैं वर्क एरिया क्या बोलते हैं वर्क एरिया इसके अलावा आपके जो भी पार्ट्स हैं इस विंडो पे उसके सारे नाम मैंशनड है तो वन बाय वन हम इसके पार्ट्स यहाँ नीचे पढ़ने जा रहे हैं ठीक है थीके? सो द फर्स्ट पार्ट एम एस वर्ड टू थाउजेंड सेवन विंडो ऑफिस बटन सबसे पहला दिया है ऑफिस बटन ऑफिस बटन इज द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड सो मैनी अदर ऑप्शन लाइक ओपन सेव सेव से जैसे कि हम लोग पेंट में पेंट बटन ओपन करते थे तो ओपन सेव क्लोज ये सब करते थे वही चीज हमारे ऑफिस बटन में वर्ड विंडो में दिया हुआ है ठीक है तो लेट इस रीड दिस फोर वनस

क्विक एक्सेस टूल बार आपका पेंट में भी अवेलेबल था है ना जहाँ से आप जल्दी से जल्दी आप अपने जो भी टूल्स हैं उसको यूज कर सकते हो ठीक है द क्विक एक्सेस टूल बार अपियर्स ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एम एस 2007 टू थाउजेंड सेवन विंडो इट कंटेन्स बटन्स फॉर द कॉमनली यूज ऑप्शन सच एज सेव अंडू एंड रीडू अब ये सारे जो बटन्स जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो सारे यहाँ दिखते हैं जैसे अंडू और रिडो वाले ऑप्शन हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं अगर गलती से कुछ डिलीट uh, हो गया है तो उसको वापस से लाने के लिए हम अंडू करते हैं और अगर जो हमने किया है और उसको मिटा दिया है उसको वापस से करना है नहीं uh, अगर हमें रिपीट करना है तो हम रिडू करते हैं ठीक है देन टाइटल बार टाइटल बार अपियस ऑन द टॉप ऑफ the वर्ड of, of the program प्रोग्राम एंड द एक्टिव डॉक्यूमेंट टाइटल बार आपके हर विंडो पे होता है जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट का नाम हमें दिखाई देता है तो यहाँ देखो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिख रहा है सबको डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसी तरह से आपको दिखाई देगा अगर आप कोई भी विंडो ओपन करोगे तो सबके ऊपर टाइटल बार आपको इस तरह से दिखाई देगा जो भी आपका डॉक्यूमेंट का नाम है वो दिखाई देगा ठीक है देन कम्स रिबन रिबन हमारा उसमें भी था जिसमें हमारे टूल्स और बाकी सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं है ना उसको हम क्या कहते हैं रिबन ठीक है देन आ गया आपका रूलर रूलर है आपका रूलर से आपको समझ में आ जाना चाहिए रूलर मेजर्स लेंथ एंड विथ दैट एंड शोज द मार्जिन आपको स्केल जैसा कुछ दिखाई देगा स्क्रीन में उसको हम कहते हैं रूलर ये दिख रहा है आपको आपके नॉर्मल स्केल जैसा है ना दिख रहा है ये एक अपर साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है है नर्टिकल वर्टिकली Vertical, uh, भी है हॉर्जेंटली भी दिया हुआ है तो इसको हम कहते हैं रूलर ठीक है फिर आता है आपका स्क्रोल बार स्क्रोल बार से आप लेफ्ट राइट right या अप डाउन मूव कर सकते हो स्क्रीन को तो so, स्क्रीन को नहीं सॉरी पेज को स्क्रोल बार इज अ लॉन्ग थिन स्ट्रिप विथ एरोज एंड अ स्लाइडिंग सेक्शन एट द एज ऑफ़ द विंडोज देर आर टू स्क्रोल बार्स एक होता है हमारा नीचे जिसके हेल्प uh, से हम पेज को लेफ्ट साइड मूव कर सकते हैं और एक होता है राइट right साइड में ऐसे वर्टिकली दिया हुआ है जिससे हम पेज को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं तो ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट मूव करने के लिए हम ये स्क्रोल बार यूज़ करते हैं आगे बात समझ में येस देन कम्स हॉरिजेंटल स्क्रोल बार और वर्टिकल स्क्रोल बार क्या है इसको हम शिफ्ट करते हैं किस चीज़ के लिए ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट मूव करने के लिए वही लिखा है ठीक है देन कम्स वर्क एरिया वर्क एरिया तो आपको पता ही है जहाँ पे आप टाइप करते हो है ना और ड्राॅइंग एरिया कहाँ है जहाँ पे आप ड्रॉ करते हो तो दोनों अलग अलग एप्स है पेंट ऐप है और एक वर्ड ऐप है ठीक है देन कर्ज़र कर्जर इज़ द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इन द वर्क एरिया दैट शोज़ द लोकेशन ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था जब आप टाइप करते हो तो उस आगे एक लाइन ब्लिंक करती हुई चलती रहती है जहाँ आप टाइप करते हो उसको हम कहते हैं कर्जर ठीक है देन स्टेटस बार स्टेटस बार डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द कर्जर पोजिशन इट शोज़ द पेज नंबर कॉलम नंबर एंड द लाइन नंबर ठीक है स्टेटस बार जो होता है आपका <coughs> नीचे होता है यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे वो आपको दिखाता है कि कितना वर्ड हो गया कितने पेजेस हो गए है ना ये सारे चीज़ें आपको वो बताता है स्टेटस बार ठीक है यहाँ दिख रहा है आपको नंबर पेज वन ऑफ वन वर्ड्स तो कितने वर्ड्स आपने टाइप कर दिए दिखाएगा कितने पेज हो गए आपके ये आपको यहाँ पता चलेगा ठीक है देन व्यू बटन्स View buttons like print layout, full screen reading, web layout, outline, and draft are given in MS Word 2007. We can view the page on which we are working in any of these formats by just clicking on the buttons directly. आप जब व्यू बटन्स यूज़ करते हो तो इसमें आपको प्रिंट लेआउट फुल स्क्रीन करने का वेब लेआउट आउटलाइन ड्राफ्ट ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं ठीक है इससे आप पेज में जो भी आपके फॉर्मेट्स आपको चेंज करने हो या अप्लाई करने हो वो सारे ऑप्शंस आपको व्यू बटन में मिलता है आ गई बात सबको समझ में ठीक है व्यू बटन आपको यहाँ दिया हुआ है स्क्रीन में सबसे नीचे स्टेटस बार के साइड में ओके देन जूम स्लाइडर वी कैन जूम इन to get a टू गेट अ क्लोज our file or zoom out to see more of the page at the reduced size आप zoom slider से पेज को बड़ा और छोटा कर सकते हो ठीक है ताकि आपको अगर नहीं दिख रहा है कुछ प्रॉपरली तो आप बड़ा करके उसको देख लो और अगर जूम इन करते हो यानी कि अगर अंदर की तरफ जूम करते हो तो आपका पेज का साइज छोटा हो जाएगा तो एक बार में आपको दो पेज भी दिखाई दे सकते हैं और अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ होगा तो एक बार में आपको एक ही पेज दिखेगा आगे बात समझ में यस yes. इसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी है आप लोगों को खुद से करना है लेबल द फॉलोइंग पिक्चर आपको एक पिक्चर दिया हुआ है और उसके आगे ये देखो ये लाइंस खींचे हैं ग्रीन कलर से तो ये लेबलिंग करनी है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्विक एक्सेस टूल बार टाइल बार टाइटल बार क्लोज क्विक ऑफिस बटन है ना ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी लिखना है तो यू कैन डू इट बाई योर ओके नाओ क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट में कुछ भी ऐसा नया नहीं है आपने अभी जितना पढ़ा उसी को यूज़ करके करना है आपको सबसे पहले आप एक न्यू ब्लैंक पेज ओपन करते हो ठीक है वो उसके लिए आपको क्या करना होता है आप जैसे ही एमएस वर्ड ओपन करते हो आपको सबसे पहले यही ऑप्शन पूछता है वो कि ब्लैंक एंड रीसेंट चाहिए ब्लैंक चाहिए कि रीसेंट चाहिए तो आप ब्लैंक वाला आपको न्यू पेज चाहिए तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर जाओगे और नया वाइट पेज ओपन करोगे जैसे ही आपका वाइट पेज ओपन हो जाता है आप क्या करते हो आप अपना मैटर जो भी आपको टाइप करना है आप वो टाइप करते हो ठीक है उसमें भी आपको ये ऑप्शन रहता है कि आपको कौन से फॉन्ट में लिखना है आपको किस तरह की हैंड राइटिंग चाहिए और आपके वर्ड्स का साइज़ कैसा होना चाहिए ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट करके और आपको सेंटर में लिखना है साइड में लिखना है ये सारी चीज़ें एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिए रहते हैं ये सारी चीज़ें टाइप करने के बाद टाइप करना आप शुरू करते हो ठीक है ये पहले आपको ऊपर वाली सारी चीज़ें सेट करनी होती है उसके बाद ही आप टाइप करते हो तो मैं अभी इस तरह से बता रही हूँ आपको समझ नहीं आएगा लेकिन मैं इस चीज़ को आपको परफॉर्म करके एक वीडियो दिखाऊंगी तो आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा लेकिन आज मैंने अभी जितना समझाया इस चीज़ को डेफिनेटली आप लोग घर में अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लोग ट्राई करके देखना इस चीज़ को आप मोबाइल में भी कर सकते हो जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल में भी टाइप कर सकते हैं ठीक है सो प्लीज़ डू ट्राई दिस ऑप्शन एंड लेट मी नो ओके सो दिस इज़ इट फॉर टुडे We'll meet in next class. Good day, everyone. Bye-bye.